आज हम प्रैक्टिस करने वाले एल्बोस एंड नी विथ एल्बो। सो क्लोज रेंज में जब भी फाइट होती है तो मोस्टली कॉलर ग्रैब या नेक ग्रैब या हैंड ग्रैब इतना ही डिस्टेंस रहता है हाथ में। यहाँ पे हमको इसी में जो मोस्टली यूजफुल चीजें हैं वो है आपकी एल्बोस और नी। ठीक है, पंच समटाइम्स यू कैन नॉट हिट पंच लेकिन एल्बो वहाँ पे और नी वर्क करते हैं। तो एल्बो फेस और नी स्टमक और चेस्ट तो सिंपली स्टैंड स्ट्रेट एंड व्हेन यू हिट लेफ्ट एल्बो रेज योर राइट हैंड कवर योर साइड वन एंड राइट टू। ओके, लेफ्ट एल्बो राइट एल्बो दोनों का टारगेट फेस के दोनों साइड है। आप ग्रैब कर रहे हो अगर आप इस हाथ से ग्रैब कर रहे हो रिलीज दिस हैंड एंड हिट दिस साइड एंड यू कैन लॉक दिस लॉक। सिंगल हैंड ग्रैब है तो ये करना इस साइड पुल करना क्योंकि हम इधर है एंड देन जॉ एंड चॉप एंड नी एट द सेम टाइम बिफोर वी। तो ये मेन टेक्निक्स हैं क्लोज रेंज में जो हम लोग यूज कर सकते हैं तो बहुत ही यूजफुल है और ये आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो सिंपली वन टू। इसके लिए पार्टनर की भी जरूरत नहीं है वन टू। सो लेफ्ट एल्बो राइट एल्बो ये ध्यान रखना जो एल्बो है वो आपके फेस की जो हाथ है ये फेस को क्रॉस करेगा लाइक दिस। नीचे भी नहीं लेके जाना है और इधर भी नहीं जाना हाथ और इसके फेस के इनसाइड वन टू। ये टच नहीं करेगा अगर आप शोल्डर को एक्सटेंड करके रखोगे ना ये शॉर्ट एल्बो हो गया आपने शोल्डर पीछे रखा। ठीक है, ये एक्सटेंडेड शोल्डर है। सो रेंज और बढ़ाने के लिए आप शोल्डर को हल्का सा यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो शोल्डर। तो ये हाथ भी आपको टच नहीं करेगा। समटाइम सोचते हो कि एल्बो मारते हैं तो ये हाथ बीच में आ जाता है तो ये भी नहीं आएगा। जो आप एक्सटेंडेड शोल्डर एल्बो मारोगे तो ये हाथ इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और जब हिट करोगे तो जो एल्बो होगी वो आपके नोज के सामने आना चाहिए बिल्कुल फ्रंट सो यू कैन कवर योर फेस। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस इट 10 टाइम फ्रंट वन बोथ एल्बोस टू Three, one, two, four, five, six. तो इसमें पावर आएगी शोल्डर से। ठीक है, हिप एंड शोल्डर डोंट यूज जस्ट आर्म्स फुल बॉडी लाइक इस वन एल्बो टू एल्बो। अभी सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल एल्बोज कर रहे हैं ये काफी सारे वेरिएशन है यार 10 अराउंड 10 वेरिएशन है। ठीक है, ये एक हो गया धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फ्रंट वर्टिकल हो गया डायगनल हो गया इट्स कॉल्ड डायगनल एंड डायगनल तो काफी सारे वेरिएशन तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस कर रहे हैं वन एंड टू वन टू। ठीक है, अब दोनों एल्बो के साथ में फिर नहीं हम प्रैक्टिस करेंगे। सो वन टू and open your hands one and two double knee one two hold the head and hit one and two so one two three and four so practically you're coming to rush me रश करके सामने आ रहा है हिट हिट एंड होल्ड बैम बैम डबल। यू कैन ग्रैब नेक यू कैन ग्रैब शोल्डर कॉलर क्लोथ्स और हेयर व्हाटएवर जो भी हाथ में आता है वन एंड टू डबल नी। ओके, सो प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट एल्बो राइट एल्बो अपन वन टू। जब भी नी मारेंगे तो नी पे क्या करेंगे टो पॉइंट नीचे रखेंगे ताकि ये इसका
जो हिट है वो सीधा नीचे जाए, ये तो आगे जाता है तो ऐसा लगता है कि पा रहा हूँ नहीं आ रहा, तो जो प्रेशर है वो पैर पे चला जाता है फोर्स तो डाउन आंसर नहीं आप बहुत ज्यादा लीड नहीं करना है, सिर्फ हिप को पुश करना है। यस सो लेट्स प्रैक्टिस इट ऑन द पैड्स। हम लोग आज छोटे फोकस पॉइंट से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। इंटेंशन टू ब्रेक द हेड ओके या गॉट गो वन यस टू कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप
यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी सिचुएशन ऐसी है सेल्फ डिफेंस की, फर्स्टली यू कीप योर हैंड्स फॉरवर्ड ताकि वो बहुत क्लोज ना आए और आगे नहीं आए, एंड देन होल्ड एंड हिट द नी डायरेक्टली, ओके, एंड गो दिस मच क्लोज एंड कीप योर हैंड्स फॉरवर्ड ताकि वो सडनली मारे तो आप रोक सको। ठीक है, हाथ ही पकड़ेगा तो यस, कैसे पकड़ने दोगे तो अपना वो हाथ पकड़ेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे, होल माय हैंड्स नीड इज नी लैग फ्री, चारों का एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, दोनों पैर दोनों हाथ दोनों हाथ पकड़ सकता है बट योर लैग फ्री। तो लैग में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, फ्रंट किक, ऑब्लिक किक, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो फिर तो चेन नीचे से ऐसे या अभी ये पुश नहीं है, ये ध्यान रखना, तो नीचे से पकड़ है, यस लेग का पकड़, लेग का पकड़ हील, यस। सो बेस्ट डिफेंस इन क्लोज रेंज डिफेंस, क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स के लिए? एवरीथिंग करो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करो। ओके, सो वीडियो कैसी लगी? कमेंट नहीं करते हैं काफी सारे लोग, वीडियो देखते नहीं, कमेंट नहीं करते हैं कैसी लगी, तो हमें तभी पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करो, जैसा भी जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करो प्लीज, एंड वीडियो को लाइक करो, और जो भी जिसको भी आप शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करो ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, और हम लोग ट्रेनिंग तो कर ही रहे हैं, तो हमारा पार्ट है कि हम ट्रेनिंग करते हैं और डाल देते ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और फिटनेस और सेल्फ डिफेंस की तरफ आपका भी थोड़ा सा फोकस जाए, क्योंकि आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग कॉम्बैट फिटनेस सेंटर, तो डाल देना कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को मोटिवेशन मिलता रहेगा, बाकी लोग भी इंजॉय करेंगे।